एपिसोड के स्टार्ट में हमें साइको को दिखाया जाता है जो कि मॉन्स्टर को मार चुका होता है और इस चीज को देखकर सारे लोग काफी शॉक होते हैं। साथ ही साथ इसी अचीवमेंट के चलते ही उसके फादर साइको के लिए पार्टी रखते हैं और उसे बता रहे होते हैं कि जिस मॉन्स्टर को उसने अभी मारा है उसे मारने के लिए अच्छे अच्छे फाइटर के पसीने छूट जाते हैं। साथ ही साइको को कैसे पता था कि मॉन्स्टर फायर के खिलाफ काफी वीक होते हैं, जिस पर साइको कह रहा होता है कि उसने बुक में इस चीज के बारे में पढ़ा था। साथ ही साथ उसे भी पता है कि उसके फादर ने भी फायर की हेल्प से इस टाइप के मॉन्स्टर को मारा होता है। जिन बातों को सुनकर उसके फादर काफी इंप्रेस होते हैं और वो साइको की अचीवमेंट के लिए उसे रिवॉर्ड देने की बात कर रहे होते हैं। जिन बातों को सुनकर साइको रिक्वेस्ट करता है कि वो अकेले ही मैजिक सीखता आ रहा है, पर अब वो उनके फैमिली का एक अहम हिस्सा है और उसने अपने आप को प्रूफ भी कर दिया है, इसलिए वो मैजिक एकेडमी जाना चाहता है। जिन बातों को सुनकर उसके फादर सोच रहे होते हैं कि सच में वो अकेले ही मैजिक ट्रेनिंग लिया करता था और अब तो वो अपने आप को प्रूफ भी कर चुका है, जिसके चलते ही वो साइको की बात को मान गए होते हैं। साथ ही साथ साइको एक और कंडीशन रखता है कि वो अपने साथ मैजिक एकेडमी में ईफा को ले जाना चाहता है, जिस बात को सुनकर ईफा काफी ज्यादा शॉक हो गई होती है। और वहीं साइको के फादर कहते हैं कि ऐसा करना सही नहीं रहेगा क्योंकि ईफा के पास कुछ खास मैजिक नहीं है। जिस बात को सुनकर अपना साइको ईफा के पास जाता है और उसे स्टिक देते हुए कह रहा होता है कि यदि उसे उसके साथ मैजिक एकेडमी जाना है तो यहाँ पर वो अपनी पावर का जलवा दिखा दे। जिस बात को सुनकर ईफा सोच रही होती है कि उसे भी साइको के साथ मैजिक एकेडमी जाना है, इसलिए वो अपने फायर स्पिरिट को समन करती है और अपने पावर का नमूना देखती है, जहां पर उसके पावर को देखकर वहां पर खड़े सारे लोग काफी ज्यादा शॉक हो गए होते हैं और इसीलिए अब साइको के फादर ईफा के साथ उसे भेजने के लिए तैयार हो गए होते हैं। जिन बातों को सुनकर ग्रे काफी ज्यादा गुस्सा हो गया होता है और वो अपने फादर से कह रहा होता है कि भला साइको मैजिक एकेडमी कैसे जा सकता है जबकि उसके पास कोई माना ही नहीं है। वहीं उनके परिवार का ट्रेडिशन है कि उनके परिवार से सिर्फ दो लोग ही मैजिक एकेडमी में जा सकते हैं, तो भला वो साइको के लिए अपने नियम क्यों चेंज करेंगे। जिस पर उसके फादर कह रहे होते हैं कि यहाँ पर वो अपने नियम चेंज नहीं कर रहे, बल्कि वो यहाँ पर ग्रे को इंपीरियल आर्मी में भेज रहे हैं क्योंकि उसके पास काफी ज्यादा स्ट्रेंथ है जिसका यूज वो आर्मी में करे और देश के किसी तरीके से काम आ जाए। जिस बात को सुनकर ग्रे को और भी ज्यादा गुस्सा आ गया होता है और वो साइको को एक डुओ के लिए चैलेंज कर देता है, जिसके लिए साइको भी एग्री कर गया होता है। और वहीं पर उनके फादर कहते हैं कि वो इस फाइट के लिए एग्री तो कर गए हैं, पर ये फाइट उनके सामने होगी और इस फाइट में किसी भी तरीके का मैजिक यूज नहीं किया जाएगा। जिसके बाद हमें साइको को रूम में दिखाया जाता है, तब वहां पर उससे मिलने उसका भाई लुफ्ट आता है जो कि सबसे पहले साइको से माफी मांग रहा होता है उसे बदविश ना करने के लिए, और साथ ही साथ वो साइको को उसका प्रेजेंट देता है जिसमें एक पेन होता है क्योंकि उसने देखा होता है कि साइको पढ़ने लिखने में काफी अच्छा होता है, इसलिए ये पेन उसके लिए एक बेस्ट गिफ्ट होगा। जिसके बाद साइको अपना गिफ्ट देख ही रहा होता है, इसी बीच उसके विंडो में कोई अटैक करता है और साइको बाहर देखकर पाता है कि ग्रे उसे डुओ के लिए चैलेंज कर रहा होता है। तो साइको ग्रे के पास जाकर कहता है कि क्या वो कल तक का वेट नहीं कर सकता, जिस पर ग्रे बोलता है कि वो शांत रहे क्योंकि यहाँ पर वो काफी लकी था कि मॉन्स्टर उनके किले में अटैक करने आया जिसे मारकर वो हीरो बन गया। साथ ही फादर के नियम काफी बचकाने हैं क्योंकि फाइट में जब तक मैजिक यूज ना किया जाए वो फाइट ही क्या कहलाएगी, इसलिए वो डिसाइड करता है कि अभी के डुओ में जो भी हारेगा वो फादर को खुद ही बता देगा कि वो लोग हार चुके हैं। जिसके बाद डुओ स्टार्ट होता है जहां पर ग्रे फायर मैजिक का यूज कर अटैक करता है। तो साइको ग्रे से कह रहा होता है कि क्या वो अपने मैजिक को थोड़ा तगड़ा नहीं बना सकता। इस बात को सुनकर ग्रे अपने विंड मैजिक का यूज कर अटैक करता है, तो यहां पर साइको अपने आई साइड एक शील्ड बना लेता है और ग्रे के सारे मैजिक से बच रहा होता है। साथ ही वो उसे कहता है कि वो अब बस कर दे, पर यहां पर ग्रे उसकी बात नहीं सुनता तो मजबूरन साइको को एक मैजिक पेपर निकालना पड़ जाता है और उसके एक हिस्से को मोड़ते साथ ही ग्रे के हाथ दर्द करना स्टार्ट कर देता है और इस दर्द के चलते ही वो तुरंत बेहोश हो गया होता है, जिसके चलते ही साइको यहां पर ऑटोमेटिकली ही डुओ जीत गया होता है। साथ ही वो सोचता है कि ग्रे ने बोला था कि उसके मॉन्स्टर के यहां आने के चलते ही उसे मारकर वो हीरो बन गया, पर ये चीज
कोई भी कोइंसिडेंट नहीं थी, क्योंकि इस चीज को प्लान करने में उसे 6 महीने लगे थे, जिसके बाद हमें एक फ्लैशबैक में साइको को दिखाया जाता है जो कि अपने डीमन रियो को समन करता है और उसे एक काम देता है कि वो माउंटेन में जाकर एक मॉन्स्टर को भगाकर यहां सिटी तक कर लेके आ जाए, जिस बात को उसका डीमन रियो मान गया होता है और उसके चलते ही यहां पर साइको ने सारी चीजों को प्लान कर रख लिया होता है। इसके बाद सीन प्रेजेंट में आता है जहां पर साइको अपने भाई ग्रे को उठाकर उसे रूम में लेकर जा रहा होता है, तो वहां पर यूकी साइको से कह रही होती है कि उन्हें इस ह्यूमन के हिसाब से जीने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसके पास इतनी ताकत है कि वो इस दुनिया में राज कर सकता है, जिस पर साइको कह रहा होता है कि पिछले जन्म में भी उसे ऐसा ही लगा था, जिसके चलते ही उसका अंत कुछ खास अच्छा नहीं हुआ था, इसलिए इस जन्म में वो इंसानों के हिसाब से ही रहेगा और अपनी नॉर्मल लाइफ को एंजॉय करेगा। जिसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहां पर रथ तैयार खड़ा होता है और साइको ईफा के साथ घर के बाहर आ गया होता है, जहां पर लुफ्ट आकर उन्हें बता रहा होता है कि फादर अभी घर पर नहीं है इसलिए वो उनसे बातें करने नहीं आ सकते, पर उनकी तरफ से वो उन्हें गुड लक कह रहा होता है अपने मैजिक एकेडमी के सफर के लिए। जिसके बाद ईफा और साइको दोनों रथ से निकल गए होते हैं, जहां रास्ते में जाते हुए साइको ईफा को एक पेंडेंट देता है, जिसके चलते ही इस पेंडेंट की मदद से ज्यादा से ज्यादा स्पिरिट ईफा की आई साइड आएंगी, जो कि उसके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल साबित हो सकती है। इस चीज के लिए ईफा साइको को थैंक्स कहती है और अपने आगे के जर्नी के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हो रही होती है, पर आगे ही हमें देखने के लिए मिलता है कि साइको की कंडीशन खराब हो गई होती है क्योंकि उसे सफर में मोशन सिकनेस होती है, जिसके चलते ही उसे बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं हो रहा होता। इसी बीच ईफा बाहर देखती है और बता रही होती है कि वो लोग मैजिक एकेडमी पहुंच चुके होते हैं। अदर साइड हमें साइको के फादर को दिखाया जाता है जो कि सोच रहे होते हैं कि अब तक साइको शायद तक एकेडमी पहुंच चुका होगा, और उसके बाद वो 12 साल पहले का सीन सोच रहे होते हैं जहां हमें दिखाया जाता है कि एक रात को एक लेडी आती है जो कि साइको के फादर के हाथ में उसे एक बच्चा थमा के जाती है जो कि साइको होता है, और उसके बाद वो लेडी वहां से चली गई होती है। वहीं उस बच्चे को देखकर साइको के फादर को समझ में आ गया होता है कि ये तो गिलबर्ट है जो कि उसका भाई था, और उसका भाई भी उसी की तरह एकेडमी से पढ़ा हुआ था, पर वो एक लॉयल्टी की तरह रहना पसंद नहीं करता था बल्कि वो फ्री रहना चाहता था। इस चीज के चलते ही वो एडवेंचर में निकल गया और उसके चलते ही अब तक उसका कोई भी अता पता नहीं है। साथ ही गिलबर्ट की तरह ही उसके बेटे साइको के बाल और आंख काले हैं, इसके चलते ही ग्रे साइको से नफरत करने लगा, और वहीं जब उन्होंने चेक करने की कोशिश की कि कहीं साइको के अंदर उसके फादर गिलबर्ट की तरह ही पावर तो नहीं है, पर उन्होंने पाया कि साइको के अंदर कोई माना ही नहीं है। इसके चलते ही मैजिक टेस्ट के दौरान जब साइको ने अपनी मैजिक का यूज किया था तो वो एक मैजिक नहीं बल्कि एक बेसिक साइंस थी। इसके चलते ही साइको ने जब मॉन्स्टर को अपनी फ्लेम पावर से मारने की कोशिश की, तो यहां पर जब उसके फादर ने यह चीज चेक करने की कोशिश की तो उन्हें पता चला कि यहां पर साइको ने कोई मैजिक का यूज नहीं बल्कि बेसिक पॉइजन का यूज किया, जिसके चलते ही वो मॉन्स्टर को मार पाया। वहीं पर वो सोच रहे होते हैं कि वो ग्रे को आर्मी में नहीं भेजना चाहते थे, पर शायद उसके लिए यही अच्छा होगा क्योंकि यदि वो साइको को आर्मी में भेजते तो या तो वो काफी अच्छा या तो काफी ज्यादा बुरा बन जाता, और वहीं पर उसे गिलबर्ट ने बताया था कि वो एकेडमी काफी ज्यादा अच्छी है, इसलिए शायद वहां जाकर साइको कुछ अच्छा बन सके। जिसके बाद साइको और ईफा एकेडमी पहुंच गए होते हैं जहां पर उनका एंट्रेंस एग्जाम होता है और टीचर उनका नाम पूछ रही होती है, तो यहां साइको अपना नाम जैसे ही बताता है तो सारे लोग उसे शॉक होकर देख रहे होते हैं क्योंकि साइको काफी अच्छे परिवार से बिलोंग कर रहा होता है। वहीं पर टीचर जब ईफा का नाम पूछती है तो ईफा को अपना पूरा नाम नहीं पता होता, इसलिए वो बोल देती है कि वो साइको की सिर्फ एक स्लेव है, जिस बात को सुनकर आउटसाइड के लोग काफी अजीब तरीके से रिएक्ट करते हैं। जिसके बाद टीचर उन्हें एग्जाम देने के लिए एक व्हाइट बॉल दिखाती है और कह रही होती है कि यदि उनके पास चारों एलिमेंट होंगे तो ये व्हाइट ग्लो करेगा, पर यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं जिनके पास चारों एलिमेंट की पावर हो। जिसके चलते ही साइको सोचता है कि इस वर्ल्ड में भी 4 प्रकार के एलिमेंट है, लाइक वाटर, अर्थ, फायर और विंड, पर साथ ही साथ यहाँ पर 2 एक्स्ट्रा एलिमेंट है जो की है लाइट और डार्क। इसके बाद उनका एग्जाम स्टार्ट होता है जहाँ पर ईफा जैसे ही बॉल को टच करती है तो उसके पास 2 पावर एलिमेंट निकलते हैं, जिसके बाद अपने साइको की बारी आती है और वो जैसे ही बॉल को टच करता है तो बॉल ग्लो ही नहीं होता, तो टीचर उसे दोबारा से ट्राई करने के लिए कहती है, तो यहाँ पर वो खुद से बता देता है कि उसके पास कोई माना ही नहीं है, और यदि उसके पास माना नहीं है तो क्या वो इस एकेडमी में नहीं पढ़ सकता, जिस पर टीचर कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है बल्कि ये तो सिर्फ एक प्रोसेस है। वहीं इन सारी बात को सुनकर आउटसाइड के लोग साइको का मजाक उड़ाने लग गए होते हैं, जिससे ईफा को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, तो साइको उसे अपना गुस्सा कंट्रोल करने के लिए कहता है।
इसी बीच वहां पर अमू नाम की एक कॉमनल लड़की आती है जो कि बॉल को जैसे ही टच करती है तो वो बॉल व्हाइट ग्लो करने लग गया होता है, जिसे देखकर टीचर शॉक होती हुए कहती है कि इस लड़की के पास चारों एलिमेंट की पावर है। जिसके बाद वो कॉमनल लड़की वहां से जाने लग गई होती है तो साइको उस अमू नाम की लड़की को रोकते हुए उसे थैंक्स कहता है, जहां पर अमू की बातों को सुनकर साफ समझ में आता है कि वो रईस लोगों से काफी नफरत करती है क्योंकि रईस लोग उन जैसे कॉमनर को काफी नीची नजर से देखते हैं, इसलिए वो साइको से चिढ़ते हुए वहां से चली गई होती है। इसके बाद लास्ट में हमें एक लेडी को दिखाया जाता है, साथ ही साथ कुछ डीमंस को जो कि हीरो को मारने की बात कर रहे होते हैं, और इसके साथ ही यहीं पर एपिसोड का एंड होता है।